हेलो फ्रेंड्स, मैं रामकृष्ण आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। मैं अभी घर से आया हूँ, जंगल में जहाँ पे हमारे खेत हैं वहाँ पे आया हुआ हूँ। और गर्मी बिल्कुल भयंकर लग रही है, इतनी तेज़ धूप में यदि छांव मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। चलते हैं, छांव ढूंढते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं पेड़ की छांव में पहुँच चुका हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं आम का पेड़ है, जिसकी छांव में अभी मैं वीडियो बना रहा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मैं जैसे गर्मी में चल के आया तो मुझे इस पेड़ की छाया की कीमत पता चली कि इस पेड़ की छाया की क्या कीमत होती है। सचमुच पेड़ की जो छाया में आने के बाद जो शांति मिली, उसका अंदाज़ा क्या ही कहूँ। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम पहल करके इस प्रकृति के लिए कुछ पौधे लगाएं। आप जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यह कि वो ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन की कीमत वही समझ सकता है, पिछले साल कोरोना में जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर जिनको आसानी से नहीं मिले थे, वो ऑक्सीजन की कीमत को समझ सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम क्यों ना एक पहल करें और उस पहल के तहत हम पेड़ पौधे लगाएं। साल में एक कोई सी भी तारीख हम चुन सकते हैं, या तो एनिवर्सरी हो गई, या बर्थडे हो गया, या कोई भी अन्य तारीख जिस पर हम पौधे लगाएँ। ऐसा करने से हमारी जो प्रकृति का संतुलन है वो बिल्कुल बना रहेगा।